अदालत ने कानून में सुकम दूर करने का कहा था, मजीद सुकम पैदा किया जा रहा है। हमें एक जायज और कानूनी माहौल चाहिए, जाली असेंबली को ऐसा कानून पास करने की इजाजत नहीं देंगे। मौलाना फजलुर रहमान का आइंदा इजलास में तमाम मामलात को तफसील से देखने का फैसला। बोले फौज का इदारा गैर मुतनाज़े है, उसे मुतनाज़े नहीं बनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दत मुलाजमत पे तौसी के हवाले से सुकम दूर करने के लिए कहा था, मजीद सुकम पैदा किया जा रहा है। हमें एक जायज और आईनी और कानूनी जमहूरी माहौल चाहिए। ये बात बड़ी वाज़ह है कि हम इस असम्बली के जरिए इतने बड़े अहम कानून साजी का फरीजा, ये हक हम इस असम्बली को देने के लिए तैयार नहीं, कि हम इस जाली असम्बली को ऐसा कानून पास करने का हक नहीं दे सकते। ये स्टेटमेंट काफी है। कल हमारे मरकजी मजलिस आमला का भी इजलास है, उसमें जरा इन मामलों को तफसील से देखा जाए। फौज हमारा एक दिफाई इदारा है, फौज का सरबराह और इदारा दोनों गैर मुतनाज़ा है, हम उनको मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहते।